दोस्तों, मैं अंकित मलिक और आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए, बहुउद्देशीय यानी जिनका एक से ज्यादा उद्देश्य हो, जिनका हम नदी घाटी पर जो परियोजनाएं बनाएंगे उसका हम उपयोग पनबिजली जल विद्युत परियोजना के लिए भी और जिसका उपयोग सिंचाई के लिए भी, मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य हो और प्रमुख यानी इम्पोर्टेंट जो पेपर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, उनके बारे में हम विचार करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ताप्ती नदी से। ताप्ती नदी ये उन नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, उन नदियों में से है ताप्ती नदी। और जो इसका उद्गम स्थान स्थान माना जाता है वो बुद्धताई माना जाता है, ठीक है। और जो इस पर परियोजनाएं हैं उनकी हमने ट्रिक बनाई है, जो इस प्रकार है। सूरज उगता है पर कड़ाके की गर्मी से तपता है। देखिए, यहाँ सूरज है, सूरत परियोजना, सूरत गुजरात का प्रमुख शहर भी है। सूरत परियोजना उगता है यानी उकाई परियोजना, और कड़ाके है यानी काकड़ा पारा परियोजना, ठीक है। तपता है यानी ताप्ती परियोजना, ठीक है। उसके बाद है महानदी नदी। महानदी यानी कि डेल्टा का निर्माण करती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है, सबसे बड़ी नदियों में से एक है महानदी। यानी इसकी ट्रिक है माही, महा का अर्थ है महानदी परियोजना और ही का अर्थ है हीरामुंडा परियोजना, ठीक है, हीराकुंडा परियोजना। देखिए, अब है सतलज नदी। सतलज नदी पर जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत मानसरोवर के पास है रक्कस्ता, ठीक है। इससे सतलज नदी का उद्गम स्थल है। और सतलज नदी जो इससे तिब्बत से होते हुए हिमाचल और हिमाचल के बाद पंजाब, पंजाब यानी पांच नदियों में जो सबसे बड़ी है वो है सतलज नदी जो पंजाब के अंदर है। उसके बाद सतलज नदी जाकर मिल जाती है इंडस रिवर में यानी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। और ठीक है, इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक है भाई को नाम सही पता, भाई को नाम सही बता, ठीक है। भा का अर्थ है भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी भाखड़ा बांध भी बोलते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना, गोविंद सागर परियोजना भी इसे ही कहते हैं। ई के बाद है, ई से है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो सबसे लाभान्वित राज्य है वो है राजस्थान, विशेष रूप से इसका जिला श्री गंगानगर इसी से ज्यादा लाभ जिसको प्राप्त हुआ है। इसके बाद को यानी कोल डैम परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश है। सह यानी सरहिंद नहर परियोजना, सह यानी सरहिंद नहर परियोजना। देखिए, यहां ना का अर्थ है नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम चंबल नदी की। चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। यमुना की सहायक नदी है। और ये नदी है जो सतलज है, चंबल है, ताप्ती है, महानदी है, ये सारी की सारी नदियां बारहमासी नदी है, यानी कि साल के 12 महीने इनमें पानी की निरंतरता बनी रहती है। इसकी ट्रिक है गंगा पर चंबल के डाकों का राज, गंगा पर चंबल के डाकों का राज। गंगा यानी गंगा सागर परियोजना, चंबल चंबल से है चंबल परियोजना, रा से है राणा प्रताप सागर परियोजना, जय से है जोहार सागर परियोजना, जैसे क्या है जय से है जोहार सागर परियोजना। देखिए, जो अगली नदी है वो है हमारी दामोदर नदी, दामोदर का पठार, ठीक है।
इसकी जो ट्रिक है, दादू ने खाना पचा लिया, लेकिन तेल ज्यादा था। तो इससे जोड़कर हम जो परियोजना है वो बताते हैं। दा यानी दामोदर घाटी परियोजना, दू यानी दुर्गा बैराज परियोजना, पैसे है पचेत बांध परियोजना, ठीक है, तेल है परियोजना। देखिए, अगर आपको इन ट्रिक्स के माध्यम से आप जीके को आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों के मन में ये डर है कि जीके मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल है, आप उनसे लगातार जुड़े रहिए। हम ऐसी ही ट्रिक आने वाली अगली वीडियो में भी प्रयोग करेंगे, और आपको जो जीके का जो आपका डर है, हम उस डर को आपको खत्म करने की, आपके डर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।